भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से गैस सिलेंडर डीजल पेट्रोल महंगाई के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हुतामा स्मारक के पास से जिलाधिकारी कार्यालय के आगे आंदोलन किया गया। भंडारा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से 5 अप्रैल को महंगाई के विरोध में आंदोलन किया गया। जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई, महिला जिलाध्यक्ष जयश्री बोरकर इनके नेतृत्व में बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी आंदोलन में हिस्सा लेते हुए जोरों शोरों से नारे लगाते हुए रास्ते पर उतरे थे। उन्होंने कहा, पूरा देश महंगाई से सुलझ रहा है, फिर भी केंद्र में बैठी मोदी सरकार इस पर लगाम लगाने की बजाय बेखौफ महंगाई बढ़ाती जा रही है। ऐसे सरकार पर नकल कसने की जरूरत है। ऐसा कांग्रेस कमेटी की तरफ से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। ज्या हुतात्म्यांनी ज्या लोकांनी या देशाच्या स्वातंत्र्याकरता बलिदान दिलं, त्याग केलं, पण हा देश स्वीकारला काढण्याचं काम, या देशाच्या संविधान बदलवण्याचं काम या देशातली पापी मोदी सरकार करत आहे आणि त्यांना कुठेतरी आजचा युवक थांबणार नाही। कुठेतरी म्हणून आम्ही हुतात्मा स्मारकामध्ये आज रॅली काढली। फार उन्हामध्ये आमचे सहकार्य केले लोकांनी मोदी सरकार पंतप्रधान नव्हते तेव्हा ते बोलले होते की या सरकारला महागाईचा म सुद्धा समजत नाही। तर आता ही मोदी सरकार कुठे झोपलेली आहे की मेलेली आहे, तो त्यांना समजत नाही की एवढी महागाई वाढलेली आहे, आमचे मजूर वर्गांचा महिला भगिनींचा बजेट कोलमडला आहे। म्हणून या सरकारचा आम्ही निषेध करतो। या सरकारचं करायचं काय? भंडारा से NBCN न्यूज के लिए सुरेंद्र चिंधलोड़े की रिपोर्ट।